मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए महीने से ज्यादा गुजर चुका है अभी तक दो औरतों का पता नहीं लगा पाए मैं बहुत शर्मिंदा हूं सही वाकई इस बार हमसे बहुत चूक हो गई अब तक तो मुझे पहुंच जाना मेरे पास वक्त नहीं है पर पूरे इलाके में एक मुखबर नहीं तुम्हारे पास जो कि पता लगा सके वो कहां पे है मैंने शुरफा के सारे इलाके छान मारे हैं साईं जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो आप पे एतबार करके एक बार फिर इंतजार की सूली चढ़ जाता हूं मैं लेकिन याद रखना इस बार तुम्हारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है सागिरदारों को इत्तला कर दी है जी साईं सबको दावत पे बुला लिया है और साईं नाजम शाह के हवाले से भी खबर दे दी है इस दफा हमारे इलाके से हमारे उम्मीदवार होंगे नाजम शाह को भी इत्तला दे देना जी साईं सलाम साईं साईं ऐसे चो क्या कह रहा था वही इंतजार 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 समझ से बाहर है मेरी जमीन खा गई आसमान निकल गया साईं अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे साईं आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं क्योंकि जैसा वो चाहती है वो तो कभी नहीं हो सकता फिर उसे गुमनाम ही रहने दें वो तो आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए दुनिया की भीड़ में गुम होने निकली है वो मिल भी गई तो क्या कहेंगे साईं तुमने तो वो सवाल पूछ लिया मुझसे जो कि मैं खुद से पूछता आ रहा हूं बस एक बार उससे मिलके उसे इजाजत लेना चाहता हूं मैं उसकी मोहब्बत को जान ही नहीं पाया मैं शायद जान कर भी अनजान बनता रहा क्योंकि ये बात तो मैं जानता था ये मेरी दुनिया में तो उसका दाखला मना ही है इस हवेली की ऊंची फसीलों को टाप कर इसके आंगन में कभी उतर नहीं सकती थी वफा सिर्फ शुरफा की हवेलियों में नहीं पड़ती वो भी वफा की एक देवी थी लेकिन उसकी वफा का कदरदान यहां कोई नहीं
पड़ी रहोगी इस तरह कमरे में? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? चलो चलो, मैं तुम्हें खुली फजा में लेके चल आओ। नहीं चंदा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर ऐसा करते, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे तबीब के पास ले चलूं? वो इतना पत्थर दिल भी नहीं है कि तुम्हें इस हाल में देख के भी तन्हा छोड़ दे। दर्स खाकर अपने पास रखा तो क्या रखा चंदा जी? मोहब्बत में दर्स खाना गाली देने से भी बदतर है। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे उस बड़े वाले मजार के मुजावर के पास ले चले। जी बहुत घबरा रहा है। कई दिनों से कुछ तब्दीली महसूस कर रही हूँ। उस मजार पे जाकर उस मजावर से मिलकर बहुत सुकून मिलता है। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मजावर से? नहीं नहीं चंदा जी, वो तो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, हकीकत सी हो गई है मुझे उससे। अपने जैसा लगता है वो मुझे, अब मेरी तरह ठुकराया हुआ। अच्छा, ले चलूंगी उसके पास, लेकिन पहले जरा तुम्हारी तबीयत तो संभल जाए। लेकिन इस शर्त पे कि तुम वहां ज्यादा देर रुकोगे नहीं। तुम वहां जाकर तो सब कुछ भूल ही जाती हो। और किसी दर ने हम जैसियों को कबूल भी तो नहीं किया ना? हर जगह से धुतकारी गई हूं मैं। बस एक वही दहलीज तो है जिसे कभी पार करने की पाबंदी नहीं लगाई। एक बार फिर सोच लो माही, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं फैसले करने का इख्तियार खो चुकी हूँ भाभी। ठीक है, अगर तुम खुद को रिश्तों की इस सलीब पे कुर्बान करने का फैसला कर ही चुकी हो तो यूं ही सही। मैं एक आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ। हर शहर जगमग जगमग करनी चाहती है। मैं चाहता कि मेरी माई वल हवेली आए ते आसमान दे चंद तारे तोड़ के हवेली सजा दे सा। बीबी सैन, तो सब फिक्र ही ना करो जी, अल्लाह ने चाया तो सब कुछ ठीक हो वैसे। हाँ इंशाल्लाह। बीबी सैन, अस आज तो सारियां तैयारियां शुरू कर लेने हैं, बस तुस हुक्म करो। हुक्म हुक्म है, चलो चल। क्या देती खड़ी है? अब क्यों मिलना चाहती उससे, जब उससे जुदा होने की ठान ही ली है तुमने? आखिरी बार मिलकर उसकी मिन्नत करना चाहती हूँ, एक आखिरी कोशिश। शायद वो मेरी बात मान जाए और वापस घर लौट जाए।
बहुत खुदगर्ज हूं मैं, ये आखिरी कोशिश भी अपने सुकून के लिए करना चाहती हूं। सुकून, सुकून तो शायद अब नसीब में ही ना हो भाभी, लेकिन मैं इस घर से उसकी बर्बादी के एहसास से जुर्म में रुखसत नहीं हो सकती। वो कहता है उसे मुझसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत में मान भी तो रखा जाता है, मेरी इतनी सी बात का तो मान रख ही सकता है ना वो। लेकिन जानती हूँ ना, अब जाना इतना आसान नहीं है, बाबा साहिब और शाहजी भी अब यहीं हैं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। किस तलाश में भटकती फिरती हो? यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही पता चल जाए कि किस चीज की खोज है, शायद फिर दिल को सुकून आ जाए। वो तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे जा मिलो, वही तुम्हारी मंजिल है। अगर वो मंजिल है तो फिर ओझल क्यों है, खुद क्यों नहीं चलकर ढूंढ लेता मुझे? सफर का वो मकाम नहीं आया ना अभी कि दो कदम चलो और सामने मंजिल हो। मेरे लिए दुआ करेंगे? मैं खुद एक बद्दुआ हूं, पता नहीं फिर हर बार क्यों तुम दुआ की उम्मीद लेके मेरे पास आ जाती हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप ही की दुआ मेरी नैया पार करेगी। दरबार में जाके जी भर के रोना, अपनी तकलीफ बयान करो, और जब सुकून मिले तो मेरे पास आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा जरा जल्दी आ जाना, पता है ना नाजिम शाह को ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप फिक्र नहीं करें अम्मी जी, हम बस यूं गए और यूं आए। फकीरा जी, बटी सरकार आ जा जरा जल्दी से। जी आई। मई रानी और साहिबा के साथ जा, मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, पर शाह जी का Thank you.
अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में वही है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए फकीरा, तुम्हें तुम्हारी माही बीबी की कसम है। दाजी ना, फकीर असद के कुर्बान माही बीबी के फकीरा की तो जुबान पे पहले हमेशा के लिए ताले लग चुके हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं दुआ करके आओ। जाओ कर लो बाबा, हम जब तक सलाम कराएं। इतना सताते क्यों हो मुझे? मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? तुम्हें आखिर जिद क्या है मुझसे फरहाद? मेरी किसी से कोई जिद नहीं है। ये जिद नहीं है तो फिर क्या है फरहाद? मैं तुम्हें यूं रुलता हुआ नहीं देख सकती। मैं आज आखिरी इल्तिजा लेकर आई हूं तुम्हारे पास, फिर नहीं आ सकूंगी तुमसे मिलने। पहरे बढ़ते जा रहे हैं मुझ पर, मान रख लो मेरा। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। मुझसे जान मांगो, यहां सामने रख दूंगा। वापस जाने का मत बोलना। मैंने इस बात को मान लिया है कि तुम मेरे मुकद्दर में थी ही नहीं, लेकिन प्लीज अब मुझे यहीं पे पड़े रहने दो। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए।
दे भी तो नहीं सकती थी। एक झूठा वादा भी नहीं। मैं तुमसे एक वादा जरूर करूंगी फरहाद, इस जहान में हमारा मेल मुमकिन नहीं, लेकिन उस जहान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। मेरे इस वादे पर तो यकीन करोगे ना? असी नाजुक दिल दे लोग हां, साड़ा दिल ना यूं दुखाया कर। ना झूठे वादे करिया कर, ना झूठियां कसमां खाया कर। तैनू कितनी बारी आख्या है मैनू वल वल ना आजमाया कर। तेरी याद दे विच मैं मर जा सा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। ज्यादा वक्त नहीं है, जाना होगा मुझे। तुम चाहते हो मैं उम्र भर खुद का सामना ना कर सकूं? यूं ही खुद से लड़ती रहूं और मर जाऊं? ठीक है, यही सही है। नहीं, मैं क्यों चाहूंगा कि तुम खुद से शर्मिंदा रहो? अगर इसमें तुम्हारी खुशी है कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां वो मैं पूरी करके जाना चाहता हूं। कोई मेरे आश्रय पे सब कुछ बिखरा छोड़ के चला गया, वो वापस आ जाए, मैं उनको सब कुछ लौटा दूं और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा।
वादा? वादा। मैं उम्र भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना। वाह माही जी वाह। माही जी आप और यहाँ मेरे और आपके रास्ते कितनी बार टकराएंगे। अब सिकंदर साईं से मिलने से पहले ही आप मना कर चुकी हैं। क्या इस दर के दरवाजे भी बंद करवाना चाहती हैं मेरे लिए? मैं कौन होती हूँ किसी पर दर बंद करने वाली? भला मुझे ऐसा इख्तियार कहाँ? इख्तियार तो सारे आप ही के पास है माही जी। और साईं आप कमाल है। आपकी एक नजर ने कितनों को खाक किया। आज एक महलों की शहजादी को आपके कदमों में बैठे देखा है मैंने। वाकई सबसे बड़ा बादशाह इश्क है। हम सब तो कनीजे हैं, खादमाए हैं, मिट्टी में अटी फकीरनियां। सुनिए शहजादी, आज मेरे दिल में आपके लिए अकीदत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज मुझे एहसास हो गया है कि आप भी सिर्फ रिश्ते ही निभा रही हैं। मजबूर और बेबस मेरी तरह। अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का हौसला रखती हैं आप तो जाइए। आज से मेरी दुआओं के हिसार में आपको भी शामिल कर लिया है मैंने। कुत्ती से खींच करना जमीन पर फेंक दो। ओए नूरे, ओए तुझे शर्म ना आई? इसे जिंदा मेरे सामने ले आया, गोली क्यों नहीं मारी तूने बेगैरत? लाना तो तुझ पर। तू जा यहां से। आपका खादिम हूं फरीशा जी, चाहे तो सूली पर लटका दें लेकिन ये अल्फाज मेरी जबान पे। खबरदार
खबरदार, अगर किसी ने हमारी इज्जत पर धब्बा लगाने की कोशिश की तो ना हमारा खून सस्ता है और ना ही हमारी गैरत इतनी नीची है। कहां वो मामूली फकीर वो मलंग, और कहां ऊंची हवेली में पली हमारी इज्जत हमारी गैरत। बेशक सही, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। शाजी, खबर के मुताबिक सिकंदर साईं की नाम लेवा एक औरत आती है वहां, जैसे छोटी बीवी जानती है। अगर ये खबर गलत साबित हुई ना तो तुम सब के सब 6 फुट जमीन के नीचे हो गए। गुलाम हूं शाह जी आपका, आपकी एक आवाज पे अपने सीने पे खुद गोली मारूंगा। लेकिन बात नवेली की इज्जत की है, हम सब मंतजर हैं आपके हुक्म के, आप हुक्म करें। आ गए आप शाहजी। अस्सलाम, खाना लगाती हूँ। रुको, माही के साथ आज कहाँ गई? वो हम, मैंने पूछा तुम दोनों कहाँ गई थी आज? माँ जी से इजाजत लेकर गए थे चाची। जो सवाल पूछा उसका जवाब दो कि कहाँ गई थी तुम दोनों? माही का अकेले कमरे में दम घुट रहा था, इसलिए उसे मजार ले गई थी। हो गई दुआ, मिल गया सकूं माही को। हाँ, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए। तुमसे तो मैं आकर बात करता हूँ, पहले उससे पूछ लूँ जो बर्बादी की जड़ है। शाजी, शाजी रुकिए। क्या ये सच है? मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। नाज़िम शाह क्या अनहोनी बातें कर रहा है? बोलो, ये सच नहीं है? जवाब दो। बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों है माई? तेरे बाबा साईं पूछ रहे हैं बेटा तुझसे कुछ। क्यों गई थी मजार पे आज, बोलो। कहते ये झूठ है, मेरी तरबियत में मेरे खून में इतना बड़ा खोट नहीं हो सकता। क्या है ये सब माही? ये क्या बोलेगी? जब खून गंदा निकला है ना तो जिस्म के उस हिस्से को जैसे काट डाला जाए, जो भी जाए, वरना तुम्हें ही मार डालूंगा, क्योंकि तुम भी इसके जुर्म में बराबर की शरीक हो। बस नाज़िम शाह क्या कर रहा है, काबू रख अपने गुस्से पे। मेरा खून खोल रहा है अम्मा साईं। उस नमक हराम को मारने से पहले मैं अपने घर की बुराई को मिटाना चाहता हूं। बस कर नाज़िम, बस कर पुत्र। इस मसले का हल ये नहीं है। सारे जमाने में रुसवाई कराएगा मेरी। चख हसाई का मौका मत दे दुश्मनों को। रुसवाई और चख हसाई तो हो चुकी बाबा साईं, सब लोग जान चुके के पीर काजम शाह की इज्जत हवेली की दीवार फौंद कर एक मामूली से मजारे से मिलने जाती है। वो मामूली सा फकीर जो पहले हमारे ही घर में ड्राइवर था और उससे पहले पता नहीं कौन था, और न जाने किस इरादे से हमारे घर में आन घुसा था। और क्या बचा है बाबा साईं? देख बेटा, मेरी बात सुन। ये बात अभी इतनी फैली नहीं है। हवेली के चंद वफादारों को पता है, अगर जरूरत पड़ी तो उनका मुंह बंद किया जा सकता है।
जोश में आके कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दें ताकि सारे जमाने को पता लग जाए। अभी जोश की नहीं, होश की जरूरत है पुत्र, होश की जरूरत है। ठीक है बाबा सिंह, आज के बाद ये हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी। जितनी जल्दी हो सके इसे सिकंदर के साथ रुख्सत कीजिए। लंबे चौड़े इंतजाम की जरूरत नहीं है, जो देना है दीजिए इसे। इस काम में ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम यहां क्यों खड़ी हो? जाओ लेकर जाओ इसे अंदर। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूं। एक आजमाइश खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पीरनी जी, आपसे तो एक बेटी नहीं संभाली गई। अफसोस, सत अफसोस। मैं चलूं, नाजिम कहीं गुस्से में आकर कोई गलत हरकत ना कर बैठे।